पे अगर बाई चांस आपको चाहिए तो मैं ये बुक पोस्ट भी कर दूंगा। अभी जो मैं वेक्टर 3D स्पेशली मुझे ये जो बुक है जीत वानी, इसमें काफी अच्छा है, तो ये कंप्लीट करने के बाद हम हमारे नोट्स देखेंगे, ठीक है? तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी को एक्स्ट्रा मतलब चाहिए तो मैं वापस से पोस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप पे। चलिए हेडिंग लिखते हैं यार। तो सबसे पहले 3D हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 3D में जो पहला एक्सरसाइज है वो तो बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी का। वो ऑलरेडी किस पे है? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस पे। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता उस पर दोबारा बात करने की रिक्वायरमेंट है। एक बार पढ़ने के बाद में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोबारा उसमें, हम बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं यार। 3D में सबसे पहले डालिए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक साथ होगी बेटा। वेक्टर 3D की याद दी ना, शीट एक साथ है। तो तुम्हारा वो डिफरेंशियल डिस्कस हो गया क्या? सर अभी तो डेफिनेट पे ही है। कितना लंबा खींचेगा डेफिनेट? अरे आज ये डेस्क बदल गई ना, लिखने में गड़बड़ आ रही है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हिसाब कर लेता है, सही से लिखा भी नहीं जाता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D के अंदर हम लोग स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। अंशुल कितना और चलेगा है? सर पार्ट टू का भी ए ही सेक्शन हुआ है और एफ तक है। इतना स्लो क्यों हो रहा है? सर उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, एक एक सेक्शन में 13-14 है। तो तुम लोग करके नहीं लेके आ रहे इसलिए सर को कराने पड़ रहे हैं, या फिर मतलब सब डाउट इतने निकल रहे हैं? सर डाउट भी है ज्यादा। चलो सही है, डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देते हैं फिर, मैं ये सोच रहा हूँ। चलिए तो स्ट्रेट लाइन के केस में यार क्या होती है? 3D के केस में स्ट्रेट लाइन, यार 2D के केस में जैसे आपका स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है, एक पैरामीटर होता है, उसके लिए कुछ फिक्स चीजें होती हैं, सेम काम स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ते हैं। किसके अंदर दो चीजें पढ़ेंगे हम 3D में, एक पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा पढ़ेंगे प्लेन, तीसरा पढ़ेंगे स्फीयर। स्फीयर आपके एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है यार, स्फीयर हम लोग सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे? आपके जेई के लिए पढ़ेंगे, एडवांस मेंस नहीं, ठीक है? और बाकी एनसीईआरटी का मेरे हिसाब से उसमें एनसीईआरटी में स्फीयर आपका नहीं है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स के लिए ना बेटा दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। या तो आपको एक वेक्टर मिल जाए जहां से वो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, और दूसरा वेक्टर मिल जाए जिसके वो पैरेलल है, या दूसरा आपको तीन पॉइंट्स मिल जाए, या तीसरा दो पॉइंट मिल जाए जहां से वो पास हो रही है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो पहली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बेटा इस तरीके से है, हेडिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लिखते जाओ जो जो बता रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। अगर यार आपको कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स पूछने हैं तो मैं सेंटर पे अवेलेबल रहता हूं सुबह से लेके शाम तक, ठीक है? जनरली जो टाइम रहता है वो 1 से लेके 3 बजे तक का टाइम है। 1 से लेके 3:30 बजे तक के टाइम में आके आप सेंटर पे फोन करके रिसेप्शन पे आप आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। सैटरडे को मेरी जगह पारस सर अवेलेबल रहते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे में मैं रहता हूँ मैक्सिमम केसेस में। फिर भी आप एक बार फोन करके आए क्योंकि ज्यादा सही यही है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और सेंटर पे ज्यादा लोग नहीं आ सकते, ठीक है? तो आप थोड़ा बहुत डाउट्स के लिए, थोड़ा बहुत क्या, जिसको जो भी डाउट है भैया आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपनी तरफ से बुलाना शुरू कर दिया। चलिए बेटा ये देखिए अब क्या होता है बेटा 3D में ना, जैसे 2D में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। 2D में हम हमेशा जब भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं ना, हम पता है क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक पॉइंट से पास होनी चाहिए लाइन और एक स्लोप उसका फिक्स होना चाहिए। दो चीजें अपने पास होनी चाहिए, पॉइंट से पास होनी चाहिए, स्लोप फिक्स होना चाहिए, पॉइंट से पास होनी चाहिए, स्लोप फिक्स होना चाहिए। 3D के केस में क्या होगा बेटा? 3D के केस में
पॉइंट से पास होनी चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। तो जो काम वहां स्लोप कर रहा था 2D में, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर करता है। तो बेटा सबसे पहला हम जो फॉर्म पढ़ेंगे इसमें वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, आई गेस आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा। सबसे पहला फॉर्म जो पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, मतलब हमने बोला कि भैया मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में हमने बोला कि एक पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या है बेटा, फिक्स है। जैसे हमने बोला कि ए कैप एक वेक्टर है यार, ए वेक्टर एक वेक्टर है जहां से ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे मिला देंगे। इसको इससे मिला के क्या करेंगे, प्रूव करने में हमको हेल्प मिलेगी, तो इसलिए करेंगे। तो एक तो मैंने इसको यहां से मिला दिया, दूसरा मैंने एक वेरिएबल पॉइंट चूज कर लिया है इस पे। वेरिएबल पॉइंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट 3D में हमेशा एक ही वेरिएबल पॉइंट लिया जाता है, दैट इज आर वेक्टर व्हिच इज एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये पॉइंट हमेशा वेरिएबल पॉइंट के तौर पे कंसीडर होगा। तो ये हो गया आपका ये वाला पोर्शन, ये हो गया ये, और ये हम लोगों ने आपका ले लिया आर। तो बी वेक्टर मतलब आर वेक्टर जो है वो बी के बराबर है, ये आपका ओ है। तो हम क्या बोल रहे हैं यार आपका, हम आपसे बोल रहे हैं कि ट्राइंगल लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ट्राइंगल लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं है यार, पोजीशन वेक्टर आपने दे दिया तो ये फिक्स है, ए आपका फिक्स है और बी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल कहीं भी मूव कर सकता है। प्लस उसने ये बोला है कि ये जो लाइन है आपके पास, इसके एक पैरेलल वेक्टर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। वो पैरेलल वेक्टर कितने के बराबर है, उसका वेक्टर जो है यार वो बी वेक्टर हमारा पैरेलल वेक्टर है। बेटा काम ही बहुत आसान हो गया, पैरेलल वेक्टर मिल गया, ये मिल गया। एक बात बताओ, ए बी वेक्टर जो होगा, ए टू बी वेक्टर जो होगा, क्या वो पैरेलल रहेगा क्या बी वेक्टर के? बिल्कुल रहेगा। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर इज, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस इज आर माइनस ए is parallel to the vector b। parallel मतलब कितना हो जाएगा आपका, lambda to the vector b। आप बोल सकते हैं भाई दो वेक्टर parallel होते हैं, तो बोलूंगा ना ab vector is equals to lambda times of b vector। ab मतलब r minus a is equals to lambda times of b। इसका मतलब हो जाएगा r को इधर shift, a को इधर shift किया तो r is equals to ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा। ये मेरे पास वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी। किसकी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी बेटा, ये मेरे पास वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की। तो ए बी लाइन की वेक्टर इक्वेशन कितनी हो गई आपके पास में यार, ए बी से पास होने वाली लाइन की, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ये मेरे पास हुई वेक्टर इक्वेशन। बेटा अगर इसी को मैं इसमें, ये ए वो वेक्टर है जहां से ये लाइन पास कर रही है, बी वो वेक्टर है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, अगर इसी चीज को मैं आपसे बोलूं कि कार्टेशियन, हम लोग बोल रहे हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटा इसमें दो तीन चीजों को अपने को ध्यान देना होगा। आर हमारे पास हो गया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो आर के पोजीशन वेक्टर है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ए के पोजीशन वेक्टर्स को मैं यहां पे लेके चल रहा हूं यार, अगर मैं ए के पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बात करूं तो मैं ले सकता हूं एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप, कॉम्पोनेंट्स की बात चल रही है के कैप। और बी वेक्टर के बारे में अगर बात की जाए तो हम लोग एक्स टू कंसिडर कर लेते हैं, एक्स टू आई कैप या ए बी सी ले लेते हैं, ज्यादा सही है ना, पैरेलल वाले को थोड़ा अलग रखा जाए तो ज्यादा सही है। तो हम लोग ले लेते हैं स्मॉल ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, ये मेरे पास हो गया। तो बेटा कार्टेशियन में मुझे इसे कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, जब आर के लिए आप एक्स यहां पर डालेंगे तो ए का भी एक्स कॉम्पोनेंट यहां पे आ जाएगा विच इज एक्स वन, और बी का भी एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा विच इज ए। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। तो हम यहां से लैम्डा को बोल सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए। इसी तरीके से अगर मैं वाई कॉम्पोनेंट रख रहा हूं आर का, तो ए का वाई कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास में, वाई वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b की जगह पे कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा b इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b। इसी तरीके से z की बात करेंगे तो z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ c, तो यहां पे आ जाएगा c। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं ये लैम्डा हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन c के बराबर, ठीक है।
हाँ भव्या आएगा क्वेश्चन बेटा, जेई में आएगा, तभी तो पढ़ा रहे हैं, वरना क्यों पढ़ाएंगे। नहीं नहीं सर पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखा था इसका क्वेश्चन मैंने एक बार। अरे अभी तो ये फॉर्म है लड़के, अभी तो इसमें पता नहीं कितना कुछ पढ़ना है तुमको, अभी तुम देख हाँ तो सर लैम्डा देखो, सब जगह लैम्डा 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 बराबर है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये मेरे पास किसकी इक्वेशन हो जाएगी। सारे लैम्डास को मैंने बराबर कर दिया, इक्वल टू लैम्डा भी लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास किसका हो गया, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया बेटा, लैम्डा के बराबर है। आर कोई भी वेरिएबल पॉइंट है बेटा, पूरी लाइन पे मूव कर सकता है वो, ठीक है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन की, तो ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन की, और ये कार्टेशियन फॉर्म की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन, जब एक लाइन जो है एक फिक्स पॉइंट से पास करती हो और पैरेलल हो किसी वेक्टर बी के, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन यूज करेंगे। अच्छा ये वेक्टर वाली तो सीधी देख के समझ भी आ जाती है कि आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी लिखा है, तो यार ये इसकी इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो x1 y1 z1 आपके पास वो पॉइंट है जहां से ये लाइन पास कर रही होगी, दैट इज ए पॉइंट, और ए बी सी वो पॉइंट है जो कि आपने कंसीडर किया हुआ है, मतलब वो वेक्टर है जो कि आपने कंसीडर किया हुआ है कि इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल रहेगा। तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं पैरेलल वेक्टर के, x1 y1 z1 डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके, उस पॉइंट के, पोजीशन वेक्टर के। तो ये कार्टेशियन फॉर्म यहां पे अपने को बताती है, और ये यहां पे r = a + लैम्डा टाइम्स ऑफ b बताता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट नहीं हुआ तो मेरा एक डाउट आपके सामने होगा, वो मैं आपसे पूछूंगा, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, बताइए। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए जल्दी सब लोग कॉपी में। ए बी पासिंग पॉइंट है, क्या बोल रहे हो बेटा? ए बी पासिंग पॉइंट है, ए बी, ए वेक्टर, हां ए वेक्टर आर वेक्टर पासिंग पॉइंट है। हाँ ए वेक्टर आर वेक्टर ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट है, जैसे ए वेक्टर है वो आपकी स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है ना, कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है वो, लेकिन ए उसने दिया हुआ है वहां से पास करेगी करेगी आपकी लाइन, ठीक है। जैसे अगर मैं 2D पे तुमको बोल दूं कि भैया 1,2 पॉइंट से आपकी लाइन पास होनी चाहिए, है ना, जैसे मैंने आपको बोला 2D के अंदर ये लाइन है मेरी, ठीक है, ये 1,2 पॉइंट से पास होनी होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहां से तो ये पास करेगी करेगी ना, बाकी कुछ भी हो सकता है, एक पॉइंट से तो 1,000 लाइन पास हो सकती हैं, है ना। तो इसीलिए उसने दूसरा कुछ एलिमेंट वहां पे दिया जाता है, तो यहाँ पे 2D के केस में उसका एंगल होता है विद द एक्स एक्सिस जो कि स्लोप देने का काम करता है, इस केस में पैरेलल वेक्टर करता है। आप बोलोगे बी, तो बेटा इसमें 2D में देखो x, y हम कोई भी पॉइंट मान लेते थे ना लाइन पे जब भी हमारा दिल करता था, तो 3D में भी x, y, z कंपोनेंट आ गया, बस z कंपोनेंट पे एक्स्ट्रा एंटर हो रहा है, बाकी सब कुछ तो ऑलरेडी सेम है। Yes, sir. नहीं समझे? समझ गया सर। बाकी कोई डाउट? सर इसमें डायरेक्शन कोसाइन से क्यों नहीं ले सकते थे हम इस तरह से? नहीं कोई रेलेवेंस नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन का कोई रेलेवेंस नहीं है इस केस में। सर बोलो बेटा। सर एबीसी तीनों नॉन जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। ऐसा किसने बोला? सर वरना फिर वो डिफाइन कैसे होगा? होगा 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 बस कैसे? यहां पे ध्यान देना, ये इसको डिवाइड करने का काम नहीं कर रहा है, समझी निकिता? ये ना इसको डिवाइड करने का काम नहीं कर रहा है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बस, समझ गई? अदरवाइज अगर ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ना होता तो मैं क्या करता, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा और कुछ बना के लिख दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कुछ बना के लिख दूंगा, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ए बी सी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू लैम्डा बी इसलिए क्योंकि वो पैरेलल है, बिल्कुल चिराग एकदम सही है। निकिता बच्चे समझ में आया? यस सर। चिराग समझ में आया बच्चे? चिराग चलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नोट कर लिया सब लोगों ने? चलिए अब मेरा क्वेश्चन आपसे बनता है। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन आपसे ये है, ये लैम्डा यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लैम्डा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, लैम्डा रियल नंबर को बिलोंग करेगा पहली चीज, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कोई मुझे बता सकता है क्या?
लैम्डा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है मुझे ये जानना है, पैरामीटर नहीं लड़के, पैरामीटर नहीं, पैरामीटर तो सभी है, ए भी पैरामीट्रिक है, बी भी पैरामीट्रिक है, क्या है पैरामीटर तो है लेकिन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू चेंज कर दूं तो उससे क्या चेंजेस आएंगे, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू इस केस में रख दूं जीरो या लैम्डा की वैल्यू रख दूं वन या टू तो क्या चेंजेस आएंगे सर, लाइन का पॉइंट बन जाएगा, मल्टीपल नहीं, क्या बोल रहे हो आदि बोलो, लाइन का पॉइंट बन जाएगा, लाइन का पॉइंट बन जाएगा, लाइन लाइन का पॉइंट बन जाएगा, मतलब मैं पूरा नहीं समझा, पूरा नहीं सर, एलिब्रेट करो उसको, नहीं सर छोड़ो कुछ बोलो ना, सही बोल रहे हो गलत थोड़ी बोल रहे हो, नहीं ध्रुव नहीं चिराग, लड़के आदि तुमने सही ट्राई किया लेकिन तुम बता नहीं रहे हो, बोलो ढंग से बोलो, गलत नहीं है कुछ भी बोलो। सर मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया अब। अच्छा चलो कोई बात नहीं छोड़ो, बाकी लोग कोई और बता सकता है कुछ, एक बार रिपीट करता हूँ क्या पूछा मैंने, ये पूछा है कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यूज बदल दूं यस सर क्या होगा, मतलब ये लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करने का, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू एक बार बोलूं कि वन रख दो, एक बार बोलूं कि थ्री रख दो, एक बार बोलूं कि फाइव रख दो, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ ऑफ ए बी नहीं, अंश लाइन के ऊपर नीचे के वेक्टर नहीं, नहीं डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन नहीं, ध्रुव पोजीशन राइट, तरुण क्या तुम इसे ढंग से बता सकते हो क्या पोजीशन बोल रहे हो तुम, लास्ट तरुण का जवाब सुनेंगे फिर मैं आंसर बता दूंगा, तरुण पोजीशन से क्या समझते हो तुम? सर जो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज है ना तो वो डिफरेंट पोजीशंस बताएंगे, पोजीशन कहां पे, कहां पे, सही बोल रहे हो तुम एकदम सही बोल रहे हो, कहां पे पोजीशन लेकिन बताएंगे कहां पे, सर ए बी लाइन प्लेन में, ए बी लाइन प्ले, ए बी लाइन पे बनाएगी, वेरी नाइस यार तरुण और जिसने भी सपोर्ट किया इसको, बहुत बढ़िया यार, आदि तुमने भी यही बोला था लेकिन तुम कंफ्यूज हो गए बाद में। बेटा लैम्डा की वैल्यू आई क्यों है, तुम ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आर वेक्टर है मेरा, आर वेक्टर ये लाइन पे एक वेक्टर है, तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कर दू जीरो तो आर कितना हो जाएगा मेरा, ए प्लस बी, ये आर हो जाएगा, जीरो के सॉरी ए प्लस जीरो, ठीक है तो ए वेक्टर हो जाएगा, मतलब आर आपका खिसक के कहां पहुंच गया, ए पे पहुंच गया। फिर मैंने आपसे क्या बोला कि लैम्डा की वैल्यू को आपने वन कर दिया तो आर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर, आपने माइनस वन कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, आर ए माइनस बी के बराबर। बेटा ये क्या बता रहा है, ये पॉइंट ही तो बता रहा है, अब देखो ना यहाँ पे आर आपके पास है, आर आपके पास है, आर आपके पास है, मतलब आर आपका क्या कर रहा है, इस एक्सिस पे, इस पूरी लाइन पे ट्रेवल कर सकता है, तो ए यहां पे आ गया, ये रेस्ट्रिक्टेड है, आर एक पॉइंट ही ले सकता है, एक पॉइंट ही बनेगा, तो अगर आपने वन वैल्यू डाली तो ए प्लस बी मान लेते हो यहां मिल गया, ए माइनस बी मान लेते हो यहां मिल गया, या ए प्लस टू बी यहां मिल गया, ए प्लस वन बाई टू टाइम्स ऑफ बी यहां मिल गया, तो ये डिफरेंट 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 वैल्यूज क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, तो आर आपकी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन अ लाइन, लैम्डा सॉरी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू देखो यहां पर तुमने बदला, अब तुम यहां पे ध्यान से देखो, अगर तुमने लैम्डा की वैल्यू को जीरो डाल दिया तो ये कितना आ जाएगा, x is equals to x1, इसे कंपेयर किया तो y is equals to y1, z is equals to z1, ये x1 y1 z1 पॉइंट आ गया, मतलब ये a पॉइंट आ गया जो वेक्टर में रिप्रेजेंट किया था, लैम्डा की वैल्यू जीरो पे, लैम्डा की वैल्यू वन करने पे आपके पास आ गया था x1 plus a, y की वैल्यू y1 plus में कितना आ जाएगा b, और z की वैल्यू z1 plus c, लैम्डा की वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, x is equals to x1 plus 2 times of a, y is equals to y1 plus 2 times of b, और z is equals to z1 plus 2 times of c। बेटा ये पॉइंट ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पॉइंट ही तो है, ये एक पॉइंट ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बस लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज बेटा क्या रिप्रेजेंट करेंगी, इस लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट देंगी, ठीक है, तो ये यहां पे रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज को मैं इतना क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि इसका मैं इस्तेमाल करूंगा बाद में, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं लाइन पे पॉइंट निकाल लिया करूंगा कभी भी, जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी तो जेई में आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। बताइए किसी को कुछ पूछना है इसमें तो प्लीज बताइए, अदरवाइज यहां तक नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए बी,
स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए बी, ठीक है बताइए बड़े आगे। यस सर, ठीक है यस सर। चलिए तो यहां पे नोट करके लिखना स्टार्ट करते हैं यार। तो पहला नोट है अपना वो लैम्डा के बारे में ही डिफाइन करेगा पहला नोट क्या है, ठीक है। हियर हियर एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज ऐसे लिखा गया है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये तीन वाले का मतलब पता है क्या होता है? ये तीन वाले का मतलब इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है रिस्पेक्टिव पोजीशंस के हिसाब से इक्वलेंट हो जाएगा वो। एक्स वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, वाई वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, जेड वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सी। तो ये एक्स इसके बराबर होगा, वाई इसके बराबर होगा, जेड इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होता है। वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर। अब ये पैरामीटर का मतलब यहां पे क्या है? इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है। तो लैम्डा पैरामीटर का यहां पे मतलब है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो ये पहला पॉइंट है जो हमने अभी आपको समझाया, ठीक है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे यार, यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया है, दूसरे वाले पे चलेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए, मेरे हिसाब से सब लोगों ने लिख भी लिया होगा अभी तक। आगे बढ़ जाए। Yes, sir. अब बात करते हैं निकिता ने जो पूछा था उसकी, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी। निकिता ने बोला था कि यार ये अगर ए बी या सी इसमें से किसी की वैल्यू जीरो वीरो हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, जीरो नहीं हो सकता। तो बेटा उसी पे ये सेकंड पॉइंट है अपना। सेकंड पॉइंट क्या है? यस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन, अब कैसे बोलोगे आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन? यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ये वाला रहेगा, है ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा वेक्टर है? केवल बी वेक्टर जो है हमारा वो आई कैप ही तो है। वन टाइम्स ऑफ आई कैप, जीरो टाइम्स ऑफ जे कैप, जीरो टाइम्स ऑफ के कैप। क्या मैंने गलत बोला क्या? क्या ये बात सही है क्या एकदम? भाई पैरेलल कौन होता है? इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप की डायरेक्शन में ही तो एक्स एक्सिस है ना, है ना। तो वन इंटू आई कैप, जीरो इंटू जे कैप, जीरो इंटू के कैप, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना हो गया? ये। और कहां से पास कर रहा है ये एक्सिस यार? जीरो 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 से। तो बताओ इक्वेशन बताओ पास होने वाला पॉइंट कहां लिखा जाता है? एक्स माइनस जीरो अपॉन बी का मैग्नीट्यूड एक्स वाला वो आ जाएगा वन, वाई ये आई का कॉम्पोनेंट, y माइनस जीरो अपॉन में ये कितना आ जाएगा? जीरो इज इक्वल्स टू जेड माइनस जीरो अपॉन में आ जाएगा जीरो। और हम क्या बोल सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को? y इज इक्वल्स टू जीरो और z इज इक्वल्स टू जीरो। ये भी रिप्रेजेंट करेगा किसको? आपके भाई कोई भी वैल्यू, मान लेते तुमने लैम्डा रख दिया यहाँ पे, है ना, लैम्डा की वैल्यू वन रख दिया, चाहे तुम वन रख दो चाहे टू रख दो। जैसे मैंने बोला कि भाई ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे चलिए ठीक है ट्राई मार के देख लेते हैं, आपने लैम्डा क्या ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा या नहीं? तो हमने बोला चलो इसको लैम्डा के बराबर कर दिया, लैम्डा की वैल्यू टू कर दिया। देखो एक्स कितने के बराबर आ गया? टू के बराबर आ गया। वाई की वैल्यू देखो जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस जीरो हो गया तो जीरो, जेड इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस जीरो हो गया तो जीरो। पॉइंट कितना हो गया? टू जीरो जीरो। क्या बात समझ में आई क्या? तो पॉइंट कितना हो गया? 200 यहां पे, या 100 यहां पे, या 300 यहां पे। इस तरीके से पूरा का पूरा काम करता है। बताइए समझ आई नहीं कितना बात? यस सर आ गई, है ना। तो इस तरीके से ये नीचे वाला इसको नहीं है कि नॉट डिफाइन करने में काम आएगा, ठीक है। ये किसके काम आएगा? सीधा सीधा इसको रिप्रेजेंट करने का काम आएगा। बताओ कोई दिक्कत है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नहीं नहीं थर्ड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बताइए जल्दी। सेम प्रोसेस रहेगा, कितना रहेगा? बस एक्स माइनस जीरो अपॉन जीरो, वाई माइनस जीरो अपॉन वन, जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो। और आप बोल सकते हो कितना? एक्स इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो। फोर्थ इक्वेशन ऑफ z एक्सिस,
कितना हो जाएगा ये x माइनस जीरो अपॉन जीरो, y माइनस जीरो अपॉन जीरो, z माइनस जीरो अपॉन वन, और आप बोल सकते हो कितने के बराबर, x इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो। बताइए क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आई? Yes, sir. है ना, फटाक से इसे नोट कर लीजिए। अगर यहां तक नोट हो जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप की इक्वेशन संभालते हैं। याद रखना आपकी एनसीईआरटी से काफी डिफरेंट फॉर्म्स पड़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने ना फॉर्म बना रखा है, ठीक है? तो एनसीईआरटी के काफी सारे क्वेश्चंस हम फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? तो यही मेरे को, मैंने आपको बोला था कि वेक्टर थ्री डी में हम टाइम लगाएंगे, ऐसे हम प्रोबेबिलिटी में भी टाइम लगाएंगे थोड़ा सा। डन, बड़े आगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने यहां तक। तो नेक्स्ट लिखते हैं यार, इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। Equation of line passing through two given points. ये अपना proof है जो अपने को करना है यार। हाँ बिल्कुल कराएंगे तरुण, linear programming भी कराएंगे। चलिए इस पे बात करनी शुरू करते हैं, ठीक है? अब मैंने क्या बोला तुमसे कि line कुछ ऐसी है यार, है ना? ये B point है, ये R point मान लेते हैं, और ये ए पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास में ए पॉइंट, ये हो जाएगा अपना आर पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये सी भी मान सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दो फिक्स पॉइंट हो गए ना यार। आप एक बात बताइए, मैंने आपको हमेशा बताया कि एक वेक्टर जो है वो दो फिक्स पॉइंट से एक फिक्स वेक्टर पास करता है ना? ये तो बताया हुआ है आपको कि एक वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं बड़े आसानी से। तो देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बी माइनस ए, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये जो बी माइनस ए है उसको अगर मैं लिखना चाहूं, b माइनस ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, तो इसके पैरेलल वेक्टर भी तो हो सकता है ना वो, ठीक है? तो बस इसी चीज का यूज करेंगे। r माइनस ए, यहां पे देखिए r माइनस ए, r माइनस ए वेक्टर इज कोलिनियर, और कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर में एक ही बात होती है बेटा, इज कोलिनियर टू b माइनस ए। हाँ या ना बताओ भाई, r माइनस ए मिला ये, और b माइनस ए सेम ही जो आपका है लाइन ऑफ सपोर्ट उसी पे तो मिल रहा है, तो r माइनस ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए लिखा जा सकता है यार, क्योंकि ये कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने। तो r इज इक्वल्स टू क्या बोला जा सकता है, a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए। बताइए किसी को कोई भी डाउट है इस पूरे प्रोसेस में तो प्लीज बताइए, ठीक है? तो R is equals to A plus lambda times of B minus A, इसे बोला जाएगा बेटा वेक्टर इक्वेशन। अरे R कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो वेक्टर हो सकता है ना? R मतलब वेक्टर में जब भी R की बात होगी ना, वो किसी रैंडम पॉइंट की पोजीशन वेक्टर इन अ स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और हमेशा R लिखा जाएगा x i cap, y j cap और z k cap, ठीक है? मतलब अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखने होंगे तो मैं हमेशा कोऑर्डिनेट लिखने होंगे तो एक्स वाई जेड लिख के छोड़ दूंगा, समझ गए? यस सर। है ना, अभी इसी तरीके से मैं ए को यहाँ पे कितना ले रहा हूँ, एक्स वन आई वाई वन जे और जेड वन के, इसी से हम दूसरा निकालेंगे, और बी को यहाँ पे ले लिया है मैंने एक्स टू आई वाई टू जे और जेड टू के, उससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है? तो ये देखो ध्यान से, हमने यहां पे क्या बोला, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स।
वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ये दे रखा है। नेक्स्ट वाले केस में अब मैं बात क्या कर रहा हूं यार, अब मैं एक एक वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता जा रहा हूं। जैसे अब मैं आर की वैल्यू को एक्स एक्स कॉम्पोनेंट डाल रहा हूं जो हमने यहां पे इमेजिन किया था, कार्टिशियन लिख रहा हूं, ये वेक्टर इक्वेशन है, अब कार्टिशियन फॉर्म बना रहा हूं। अगर मैं एक्स आर का यूज करूंगा तो ए का भी एक्स यूज करना पड़ेगा, बी का भी एक्स, वाई इसका यूज करूंगा तो इसका भी वाई यूज करना पड़ेगा और इसका भी वाई यूज करना पड़ेगा, जेड अगर इसका यूज करूंगा तो इसका भी जेड यूज करना पड़ेगा और इसका भी जेड यूज करना पड़ेगा। तो बेटा मैं ये लिख रहा हूं यहां पे, देखो मैं एक्स लिख रहा हूं यहां पे, तो यहां पे कितना यूज कर रहा हूं, एक्स वन इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन। अभी आप लोगों में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये भी आ सकती है कि सर इसे आप r माइनस बी के पैरेलल भी तो कर सकते थे, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा कर सकते थे, इसे r is equals to b plus lambda times of b minus a भी लिख सकते थे, r is equals to b plus lambda times of a minus b भी लिख सकते थे, उसके बारे में टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चीज आपकी जायज है कि पास तो b से भी कर रहा है तो b का यूज कर लेते, मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लैमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। इसी तरीके से y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y1, यहां पे लिखा जा सकता है दिस इज y माइनस y1। इसी तरीके से z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1, यस लैम्डा को लिखा जाएगा z2 माइनस, कर रहे भाई हमें थोड़ा बहुत तो मुझे समझ आ जाता है कि मिस्टेक हो रही है, फ्लो में गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है। यस z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, यहां सब देखिए लैम्डा बराबर हो गया, तो वो क्या हो गया, अरे बंद करके शुरू करना पड़ेगा, मैं लास्ट लिख रहा हूं ध्यान से देखना, तो इसे कंपेयर कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाएगी बेटा, ये आपके भी हो रहा है क्या? यस सर। कोई नहीं, अभी इसे सेट कर देते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे इसको, फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, ये सामने है आपके यार। एक बार इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर एक मिनट। उसके बाद दोबारा यहीं से खोल दूंगा, एक बार इसे स्टार्ट करो, वहां रीस्टार्ट मारना पड़ेगा ओपन बोर्ड को, ये हेवी सॉफ्टवेयर है, दिक्कत कर देता है, ज़ूम नहीं कर पाएंगे, एक बार मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, तो देखते हैं एक बार स्टॉप करके मैं इसे क्लोज कर देता हूँ ओपन बोर्ड को एक बार। Yes, तो इसमें ये लीजिए, अभी दिख रहा है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन उठाते हैं इस पे, उसके बाद बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस की। डन,
क्वेश्चन लिखूं? यस सर। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन टू कॉमा माइनस वन कॉमा वन एंड parallel to the line whose equation is x minus 3 divided by 2 is equals to y plus 1 divided by 7 is equals to z minus 2 divided by minus 3. z माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस थ्री। फटाफट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो, टाइम लगना ही नहीं चाहिए इसको। डन। सर इसमें सर डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे ना? डायरेक्शन रेशियोस सेम होंगे ना सर, पैरेलल है ना? डायरेक्शन रेशियोस सेम होंगे मतलब ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोस पैरेलल के और उसके? यस सर, यस। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, मेरे को यूज करना चाहिए था, शायद मैंने वो उड़ा दिया इसमें से, है ना। पासिंग थ्रू यहाँ पे डाल देते हैं, पासिंग थ्रू टू माइनस वन वन एंड पैरेलल टू द लाइन हूज इक्वेशन इज टू माइनस वन प्लस वन। क्या टू माइनस वन प्लस वन क्या? वेक्टर। अबे वेक्टर इक्वेशन चाहिए लाइन की, पागल अनंत, वेक्टर इक्वेशन चाहिए बेटा। देखो तो पॉइंट जहां से ये पास करेगी विच इज टू आई कैप माइनस वन जे कैप वन के कैप, दिस इज ए। बी वेक्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास में? बी वेक्टर हो जाएगा ये लाइन के लिए, देखो पैरेलल वेक्टर कौन आता था, कंपेयर करके देखो, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यहाँ पे ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप ही तो आता था, तो a कितना है आपका 2i कैप, यहाँ पे b कितना हो जाएगा 7j कैप और c कितना हो जाएगा माइनस 3k कैप, तो ये आपका b आ गया। तो बस a आ गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, b आ गया इतने के बराबर, बस बेटा काम ही खत्म हो गया ना। वेक्टर इक्वेशन कितनी है, r is equals to a plus lambda times of b, बस। तो r is equals to a की वैल्यू कितना हो गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस lambda times of, यहां पे यूज कर देंगे 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, बस इतना ही लिखना है आपको आंसर के तौर पर। इतना ही लिखना है क्योंकि उसने वेक्टर इक्वेशन पूछा था, अगर वो बाय चांस आपसे कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछ लेता तो भी आसान हो जाता काम, मतलब ऐसा है। लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं होगी लड़के, अगर तुमने लैम्डा की वैल्यू डाल दी आधी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुमने पॉइंट निकाल दिया, उस पर लाइन की इक्वेशन नहीं निकली, कोई तो वेरिएबल होना चाहिए ना। क्या होता है वेरिएबल? वो लैम्डा ही तो है वहां पे। यस। चलिए अगला क्वेश्चन दे दूं।
हाँ जी सर दे दो। नोट हो गया, किसी को डाउट है कुछ भी, कोई पूछना चाहता है तो बताओ, वरना मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। हर्षित कार्ट क्रिटिकल नहीं यार, कार्टेशियन क्रिटिकल लिख रहे हो क्या तुम हर्षित? इतनी देर से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट बताओ कहां से पास कर रहा है। अगर कार्टेशियन इक्वेशन पूछेगा तो पॉइंट कहां से पास कर रहा है? टू माइनस वन वन, तो एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई ये डायरेक्शन रेशो आ जाएगा इसके नीचे, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है ना, तो ये भी तो किसी वेक्टर के पैरेलल रही होगी। वो वेक्टर कौन है? 2 7 और -3 से पास होने वाला वेक्टर, दैट इज 2i कैप 7j कैप -3 के कैप वेक्टर। बस y minus minus 1 which is plus upon 7 z minus 1 upon -3, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी अगर आप चाहें तो निकालो। ठीक है हर्षित? अरे बोल दे हर्षित भाई। yes. बड़े आगे चलिए। यस सर। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट एट 2 3 4 एंड which has equal intercept on the x-axis. Equal on the x-axis. बेटा आपको ना अभी शुरू शुरू में तो ऐसा लगेगा यार टफ टफ क्वेश्चन है यार, अब 3D में कैसे इमेजिन करें क्या करें, थोड़े दिन के बाद में ऐसा है लाइट लगने लगेगा बिल्कुल। इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दी x-axis की बात कर रही है, ठीक है, यहीं पे कुछ छुपा हुआ है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो काम हो जाएगा आपका। ट्राई करो एक बार। सर इसमें क्या इक्वल था सर? इक्वल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये 2 3 4 से और एंड है विच हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अरे वो बताना सर इंटरसेप्ट क्या होता था? कोई सा भी फॉर्म निकाल दो ध्रुव। इंटरसेप्ट ऐसे होता है ना, 2D में इंटरसेप्ट क्या होता था? एक लाइन जो कट करती थी तो इंटरसेप्ट ही हो जाता था ना, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस। सर इंटरसेप्ट सेम है सर, इंक्लिनेशन भी सेम होगा क्या? सर इंटरसेप्ट सेम है तो सर इंक्लिनेशन भी सेम होगा। इंटरसेप्ट सेम है तो इंक्लिनेशन कैसे सेम होगा? एक लाइन जो है वो कट कर रही है आपके एक्सिस को, इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है, उसके केस में आपको बात करनी है। सिंपल सा टास्क है, पैरेलल वेक्टर निकालने की कोशिश करो लड़के बस। वन वन वन, हाँ भव्य बताओ वन 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 क्यों यूज किया भव्य? जैसे मान लो डायरेक्शन का रेशियो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, तो सर मतलब इक्वली इंक्लाइंड मतलब सेम एंगल पे इंक्लाइंड करेंगे सर, इसमें डायरेक्शन रेशियो 1 का होगा, डायरेक्शन सेम होगी फिर। तुम लोग बात तुम बोल सही भव्य, तुमने किया सही है लेकिन तुम जवाब सही नहीं दे रहे हो बस, और कुछ नहीं है सर। इसमें डायरेक्शन रेशियो 1 का होगा लेंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या लेंगे सर? 1 1 1 1 नहीं लेंगे, मतलब जनरल पॉइंट लेंगे है ना। वन 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 तुम मान नहीं सकते ना कि सिर्फ वन सब जगह वन पे इंटरसेप्ट बन रहा होगा, ठीक है, तो लेंगे कुछ मिलता जुलता लेकिन हाँ मतलब वन नहीं लेंगे। लाइन अलोंग द वेक्टर, हाँ तो सुनो भाई, तो तुम्हारे पास ये एक पॉइंट दे रखा है 2 3 4, यहां से आपकी लाइन पास कर रही है, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस का क्या मतलब है यार? इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? देखो
ये लाइन यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही होती तो इसे हम ए ए बोल देते, है ना। ए ए बोलने का मतलब कितना हो जाता, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, इंक्लिनेशन ये है, इसका यूज करना अगर मैं स्टार्ट करूं, मतलब ये 2D के हिसाब से पूरा का पूरा काम करने की कोशिश करेंगे, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बेटा जो आप इंक्लिनेशन की बात कर रहे हो ना, कि कौन इंक्लाइंड होगा, लाइन इंक्लाइंड होगी, लाइन इंक्लाइंड होगी, लेकिन बात हमेशा उसके पैरेलल वेक्टर की होगी। जैसे अब ये लाइन इंक्लाइंड है तो मैं इसके पैरेलल वेक्टर की इंक्लिनेशन की बात करूंगा, इस एक्सेस के साथ, इस एक्सेस के साथ और दूसरे एक्सेस के साथ में, तो जो भी बात होगी वो हमेशा पैरेलल वेक्टर के साथ में होगी। मतलब जो भी वेक्टर आप पैरेलली निकालोगे ना, उसके डायरेक्शन रेशियो पे कमेंट पास होगा कि अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो वो जो पास होगा ना वो वेक्टर कुछ इस तरीके का रहेगा, आपका ए आई कैप, ए जे कैप और ए के कैप। ये इस तरीके से बात की जाएगी इसकी कि भैया ये जो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जे डायरेक्शन में जो भी वो काटना चाह रहा है, तो जो वेक्टर है, सॉरी आर लिख दिया मैंने इसको, आर नहीं लिखा जाएगा, बी वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये सेम हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये वेक्टर आपका जो है एक्सिस के साथ में इंक्लाइंड होगा, वो इक्वल होगा, तभी आपकी लाइन इक्वली इंक्लाइंड होगी, अदरवाइज आपको दिक्कत फेस करने को मिलेगी। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब है, तरुण समझने की कोशिश करो कि देखो मेरे पास जो तुम बोल रहे हो ना इक्वल इंटरसेप्ट बनाने का, जो हम बोल रहे हैं जैसे 2D में बात करें, है ना, 2D में बात करें तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जो भी लाइन है आपकी वो आपके एक्सेस को काटेगी, तो ये इक्वल होना चाहिए, ये भी ए यूनिट पे कट रहा है, ये भी ए यूनिट पे कट रहा है, तो जो पॉइंट आप देखेंगे ना वो सिमिलर स्ट्रक्चर का बनता हुआ आपको नजर आएगा। सिमिलर स्ट्रक्चर का कैसे बनता हुआ नजर आएगा, आप यहाँ पे देखिए, ये आपने बनाया कि मैंने बोला ये ए है, ये ए है, ठीक है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि इसमें स्लोप के बारे में बात करते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये 45 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन वेक्टर के केस में कभी भी लाइन का इंक्लिनेशन नहीं देखा जाएगा, हमेशा उसके पैरेलल वेक्टर के साथ में आप कंपैरिजन करोगे, तो आप ये बताओगे कि जो वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, वो आपका एक्सिस के साथ में क्या कर रहा है, इक्वल एंगल्स बना रहा है, ठीक है, इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि जो कंपोनेंट वो जनरेट करेगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, वो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए जब भी वो बोलेगा कि इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, इसका मतलब ये कॉम्पोनेंट, ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट, x component of b, y component और z component आपका क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा, तब हम बोल पाएंगे कि बेटा x minus 2 divided by a, y minus 3 divided by a और z minus 4 divided by a आप लिखेंगे, और जो a a a आया है यहाँ कहीं पे lambda भी होगा, ये a इधर multiply किया जा सकता है, तो x minus, सॉरी ये 2 लिखा है, मैं z टाइप लगने लग गया होगा, ये तो ये 2 है बेटा, है ना, 2, तो x minus 2, x minus 2 upon 1, y minus 3 upon 1, z minus 4 upon 1 is equals to a multiplied by lambda, इसे lambda 1 से लिखा जा सकता है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का वेक्टर इमेजिन होगा, वो वेक्टर का इंक्लिनेशन देखेंगे, जब भी हम बात करेंगे ना लाइन के एंगल की, तो हमेशा बात करेंगे कि उसका पैरेलल वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, उतने ही वेक्टर पे लाइन इंक्लाइंड होगी, ठीक है, इसलिए इतना सारा काम आपको ये करना है। अगर किसी को अब भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए। डन है, बढ़े आगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। याद करो ना, देखो इसमें इंक्लिनेशन पिछले वाले में, और अगर याद हो आपको तो जो 2D के केस में आप अपनी एनसीईआरटी में या कहीं भी शीट में सॉल्व करते थे, तो उसमें क्या बोलता था वो हमेशा कि जो है इक्वली इंक्लाइन टू दी एक्सेसेस है ना, तो ऐसे केस में स्लोप हम प्लस माइनस वन यूज करते थे, ठीक है, कि प्लस माइनस वन यूज किया जा सकता था, स्लोप इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है,
इस वजह से उसको कंसीडर किया जा सकता था, या तो इधर से या तो इधर से, यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा, दोनों ही केसेस में इसका इंक्लिनेशन 45-45 डिग्री होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, वहां पे भी वो यही बात बोलना चाहता था कि मैग्नीट्यूड आपका इक्वल हो गया है, तो x के नीचे जो कंपोनेंट आता था और y के नीचे जो कंपोनेंट आता था इंटरसेप्ट फॉर्म में वो इक्वल हो जाता था, वही सेम चीज यहाँ पे करना चाह रहे। कोई बात नहीं, अभी और आगे आएगा और समझ में आ जाएगा। सो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये अपना क्वेश्चन है यार। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स हम कैसे निकालेंगे, देखो मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है x माइनस एक्स वन अपॉन में कितना चल रहा है, ये ए वन चल रहा है, y माइनस वाई वन अपॉन बी वन हो गया, और z माइनस जेड वन अपॉन सी वन हो गया। इसी तरीके से दूसरी लाइन है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू हो गया, y माइनस वाई टू अपॉन बी टू हो गया, और z माइनस जेड टू अपॉन सी टू हो गया। बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दो लाइंस के बीच में एंगल मतलब उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल, एक लाइन ये है दूसरी लाइन अगर ये है तो इसका पैरेलल वेक्टर जो रहेगा और इसका पैरेलल वेक्टर जो रहेगा वो जो एंगल बनाएंगे ना बेटा वही एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में माना जाएगा, क्योंकि ऐसे आर आर के बीच में तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता भाई। इसकी इक्वेशन भी कैसे लिखी जाएगी, आर इज इक्वल्स टू ए वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन, ऐसे लिखोगे है ना, और इसकी इक्वेशन लिखी जाए आर इज इक्वल्स टू ए टू प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना लिखा जाएगा, बी टू लिखा जाएगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है बेटा कि अब इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकाले, इन दोनों के बीच में एंगल क्योंकि ये तो आर आर रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बोलोगे सर ये भी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप लिखा गया है, ये भी एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप लिखा गया है, लेकिन दोनों सेम हो गए ना, तो दोनों सेम के बीच में फिर आप बोलोगे सर एंगल कैसे निकाले, तो इसलिए उन्होंने कंफ्यूजन ही हटा डाला, उन्होंने बोला आप ये सब करो ही मत, आप सीधा उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लो, पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स यहां पे के मतलब डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, ए वन बी वन सी वन, यहां पे कितने ए टू बी टू सी टू, बस आप कॉस थीटा निकाल लीजिए, किसके बीच में ए वन, ये मैं बोल रहा हूं पैरेलल वेक्टर्स को यूज करेंगे, तो b1 dot b2 upon magnitude of b1 magnitude of b2, ये b1 वेक्टर मैंने ये पैरेलल वेक्टर को लिखने के लिए काम में लिया है यार, तो इसका b1 वेक्टर अपने पास में कितना है a1i b1j और c1k, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा आपका c वेक्टर कितना हो जाएगा a2i b2j और C2K आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप B और B1 dot B2 upon magnitude of B1 magnitude of B2 करेंगे, dot product इनका निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, आपने जैसे पहले किया था बिल्कुल सेम ही काम है, ये हो जाएगा A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon में कितना हो जाएगा root over A1 square B1 square C1 square root over A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके cos theta को रिप्रेजेंट करेगा। तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल रहेगा वही आपकी लाइंस के बीच में एंगल रहेगा, इसको हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। उसके बाद एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, क्या बोल रहे हो सर, जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी तो वैल्यू डिपेंड करेगी ना। अरे कॉस थीटा कैसे लिखा, समझ ही नहीं आया। अबे दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, हाँ डॉट, ये कह रहा हूँ सर, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया था ना, देखो बी वन वेक्टर कितना, हाँ ये बी वन कैसे लिखा, ये ए वन बी वन सी वन कैसे लिखा, मतलब समझा नहीं, बी वेक्टर कैसे लिखा सर आपने, ए वन बी वन सी वन, ये बनाए का, हाँ। तो इस ये जो आपके पास दिया गया है इसका पैरेलल वेक्टर लिखा है मैंने ये, अच्छा, और इसका पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा, ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट तो लिए जाएंगे, ठीक है भाई। अभी सबसे पहली फॉर्म देखो ना, हाँ ये तो थी, इसके उसमें जाओ कार्टेशियन फॉर्म में, ए बी सी तो था पैरेलल वेक्टर ही, तो ये बी वेक्टर के लिए देखो जरा, जो भी नीचे होता है ए बी सी वही पैरेलल की तरह काम होगा ना,
तो बिल्कुल वही सेम काम तो इधर किया मैंने, है ना। तो ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप, इसी तरह इस लाइन का पैर, दो लाइन है ना ये, तो इस लाइन का पैरल वेक्टर हो जाएगा ए टू आई कैप, बी टू जे कैप, सी टू के कैप के बराबर। अब उन दोनों पैरल वेक्टर के बीच में ही एंगल है, वही लाइन के बीच में एंगल होगा, तो कॉस थीटा निकाला, बी वन डॉट बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का कंपोनेंट आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई होता है, वो ये हो गया, नीचे उसका मैग्नीट्यूड है। बताओ आदि। हाँ गया सर। बी ही क्यों आते हैं, ए क्यों नहीं आया? तरुण कौन से वाले की बात कर रहे हो? अच्छा ये वाले बी की बात कर रहे हो लड़के तरुण, क्योंकि मैंने जो वेक्टर लिया हुआ है ना तरुण, ये वाले बी की बात कर रहे हो, पैरेलल वाले की। देखो ना आर मैंने लिया हुआ है ए वन प्लस लैम्डा बी वन, आर मैंने लिया है ए टू प्लस लैम्डा बी टू। बेटा ये जो ए वन और ए टू है ना, इस केस में वही पॉइंट है जहां से ये लाइंस पास हो रही है, तो पॉइंट के बीच में कभी भी एंगल नहीं निकालने की कोशिश होती तरुण, ठीक है, है ना। किसके बारे में बात होगी, हमेशा वेक्टर के बारे में बात होगी, तो B1 और B2 पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में क्या निकाला जाएगा बेटा, एंगल निकाला जाएगा, तो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालने को ही हम लोग समझदारी कहेंगे, ठीक है। पॉइंट के बीच में कभी भी एंगल नहीं निकालेंगे, दो स्पेस में पॉइंट दे दे कैसे एंगल निकालोगे, या तो उसका पोजिशन वैक्टर निकाल के उसके बीच में एंगल निकालो, लेकिन पोजिशन वैक्टर तो बदल जाएगा ना। तुम देखो अगर मैंने तुमसे ये बोला कि ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, अब मेरे पास ये लाइन है, अब यहाँ पे ए मिल रहा है, तो बेटा तुम ए का पोजीशन वेक्टर तो तुम ऐसे लिखोगे, तो ये लाइन का और दूसरी वाली लाइन मान लेता हूं कि मैं ऐसी लाइन है, उसका दूसरा पोजीशन वेक्टर तुमको मिल रहा है ये मिल रहा है। अरे यार ठीक है, अब देखो बेटा अब मुझे एंगल निकालना है, तो हम कैसे प्रूव करें कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, क्योंकि ये तो पोजीशन वेक्टर देने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं इसका पैरेलल वेक्टर हमेशा उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो कभी ना कभी तो ये वेक्टर जाके आगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, जहां पे भी मिलेंगे तब दोनों एंगल कैसा बनाएंगे बेटा, इक्वल एंगल बनेंगे। ये एंगल इसके साथ बनाया जा सकता है, लेकिन ये वाला हम बराबर नहीं बता पाएंगे। तरुण समझ में आई क्या बात? तो जो ए वन और ए टू है ना बेटा, वो क्या है, पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है, तो उनके बीच में एंगल के बारे में बात नहीं होगी, हमेशा बात किसके बारे में होगी, पैरेलल वेक्टर के बारे में बात होगी, ठीक है, नोट हो गया। चलिए दो केसेस ले लेते हैं। पहला केस क्या है, वही है, परपेंडिकुलर हो जाए या पैरेलल हो जाए लाइंस, ठीक है। तो पहला केस है इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, बताओ क्या रिजल्ट आएगा। अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो बी वन डॉट बी टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो। बी वन डॉट बी टू कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है, जीरो। मतलब आप लिख सकते हैं कि ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो कितने के बराबर आ जाएगा, जीरो, मतलब ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू। भाई इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी B1 यूज किया, यहाँ भी B2 यूज किया, यहाँ भी B1, यहाँ भी B2। बेटा यहाँ पे जो B1 B2 हम यूज कर रहे हैं ना, वो आपके पास में कौन सा यूज कर रहा है, ये वेक्टर यूज हो रहा है और ये उसके एक कंपोनेंट है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन यूज कर रहा हूँ मैं उसका, पूरे वेक्टर का नहीं, उसके एक वाई कॉम्पोनेंट का यूज कर रहे हैं। इसे बदल भी सकते हैं, डैश भी लिख के काम चलाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड, इफ द लाइन्स If the lines are parallel, तो बेटा अगर मेरे पास lines parallel हो जाएंगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर दो लाइन parallel है, मान लेते हैं कि ये दो लाइन parallel है, ये लाइन और ये लाइन parallel है, ठीक है, तो इसके parallel vector और इसके parallel vector ये भी तो parallel हो जाएंगे, तो ये parallel हो जाएंगे तो सीधा सीधा फंडा क्या आ जाएगा, हम clearly लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे कि ये जो हुआ आपके पास में, ये B1 जो है, B1 वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर, इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ B1, X कंपोनेंट ऑफ B1, Y कंपोनेंट ऑफ B1, Z कंपोनेंट ऑफ B1 का रेस्पेक्टिव रेशो अगर आप B2 के कंपोनेंट से निकालो तो बराबर आ जाएगा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2,
और C1 upon C2 वो बराबर रहेंगे। यहाँ कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर एक वेक्टर मेरे पास में मान लेते हैं क्या बोलते हैं ऐसा ले लेते हैं A वेक्टर मैंने लिया कितना i माइनस टू जे प्लस k लिया, और B वेक्टर मैंने लिया कोई 2i माइनस 4j प्लस 2k। तो बेटा देखो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, रीजन क्या है, अब दोनों केसेस में देखो ना 2 को बाहर निकालोगे तो ये सेम वेक्टर बन जाएगा जो A वेक्टर है, तो ये लैम्डा के फॉर्म में है। तो रेशो को ध्यान से देखो, तो 1 अपॉन 2 पहले से मिल रहा है, माइनस 2 अपॉन माइनस 4 दूसरे से मिल रहा है, 1 अपॉन 2 तीसरे से मिल रहा है, तो कट के ऐसा हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है, समझ गया ना, इसलिए ये रेशो लिया गया, इसलिए यहाँ पे सेम आ रहा है। समझ में आया या नहीं समझ में आया बताइए, दोनों पॉइंट्स अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग नोट कर लिया। एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले फॉर्म पढ़ा दो, क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम होने वाला है, क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हाँ, कोइंसिडेंट लाइन वाला सिस्टम है, ठीक है, सुपर इम्पोज हो जाती है बेटा लाइंस, वैसा वाला फंडा है एक दूसरे के ऊपर ना, ठीक है वो वाला है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन ईच, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, सीधा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, पहला है R is 3i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times of i cap plus 2j cap plus कितना हो जाएगा 2k cap, और दूसरी लाइन अगर मैं आपसे बोलूं तो दूसरी लाइन है मेरे पास में 5i cap minus 2j cap यहाँ पे plus mu times of 3i cap 2j cap 6k cap where lambda and mu are parameters। चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। सीधा यार सबसे पहले चेक करो ये दोनों, क्या ये पैरेलल है, क्या नहीं, इनमें कोई कंपोनेंट कॉमन नहीं आ रहा तो ये पैरेलल नहीं है, सीधा सीधा कॉस थीटा निकल, यही तो पैरेलल वेक्टर्स हैं, इस लाइन के लिए ये पैरेलल वेक्टर है, इस लाइन के लिए ये, तो बी वन आपके पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आई प्लस टू जे प्लस टू के, और यहां से आ जाएगा बी टू, बी टू आ जाएगा कितना थ्री आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के, काम खत्म हो गया, cos थीटा कितना हो गया b1 डॉट b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 अपॉन में रूट ओवर 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास में 9, और अंडर रूट में आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,